नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज डेटिंग एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। ये एप्लीकेशन क्या है, कैसे यूज करना है, क्या क्या फीचर है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इस एप्लीकेशन को मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया है, तो मैं आज इसका रिव्यू करूँगा, देखता हूँ इसमें क्या क्या फीचर हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन, उसे दबा दें। और यहाँ पे मैं बहुत सारी एप्लीकेशन की जानकारी, अपडेट, रिव्यू करता रहता हूँ, तो आपको इसकी नोटिफिकेशन और वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं इसको शो कर देता हूँ। इसका पूरा नाम है डेटिंग फ्री मोबाइल डेटिंग ऐप। तो दोस्तों, इसकी 3.9 इसकी रिव्यू है और 1 लाख लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। डाउनलोड कर लिया है मैंने। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन को मैंने ओपन कर दिया। ओपन करते ही यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। तो यहाँ पे आप अपना चॉइस कर सकते हैं, यहाँ पे आपका जो स्टेट है वो कौन सा है। तो मैं यहाँ पे अपना इंडिया चॉइस कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने चॉइस कर लिया है। आप भी जो जिस भी देश से हैं, वहां से चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे अकाउंट बनाना होता है। डेटिंग एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप नए दोस्त बना सकते हैं, लोगों के दोस्तों के साथ डेट कर सकते हैं, नई गर्लफ्रेंड बना सकते हैं, नया बॉयफ्रेंड बना सकते हैं। तो जिस तरह का ये टाइटल, उस तरह का ये नाम है और ये डेटिंग एप्लीकेशन है। अगर आप नए अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पर रजिस्टर पे आपने जाना है। रजिस्टर पे जाने के बाद यहाँ पे एक मेल आईडी डाल देनी है इस तरीके से, और ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने एक पासवर्ड चॉइस कर लेना है। यहाँ पे आपने एक पासवर्ड चॉइस करना है। इस तरीके से जैसे मैंने चॉइस किया है। आप पासवर्ड चॉइस करेंगे, उसके बाद ही आप यहाँ पे प्रोसेस आगे जाएगा आपका। तो दोस्तों, ईमेल डालने के बाद पासवर्ड चॉइस कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपका प्रोसेस आगे ओपन हो जाता है। और ओपन होने के बाद यहाँ पे आपने अपना जेंडर चॉइस कर लेना है, मैन, वुमेन, ट्रांसमैन, ट्रांसवुमेन या नॉन। तो यहाँ पे मैं मैन चॉइस कर लेता हूँ। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है दोबारा से कि आप ढूंढ क्या रहे हैं, इस एप्लीकेशन में आप क्या ढूंढ रहे हैं। एक मैन ढूंढ रहे हैं, लड़का या वुमेन, औरत ढूंढ रहे हैं, या ट्रांस मैन ढूंढ रहे हैं, ट्रांस वुमेन। तो यहाँ पे आपने लिख देना है वुमेन। यहाँ पे हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपने अपना नाम चॉइस कर लेना है, जो भी आपका नाम है यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चॉइस कर लेनी है इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पे पासवर्ड चॉइस करना है आपने। और यहाँ पे टिक पे निशान लगा देना है और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे स्कीप कर देना है आपने। यहाँ पे एक फोटो चॉइस करनी है आपने, एक फोटो चॉइस कर सकते हैं। फोटो चॉइस करेंगे आप, प्रॉपर आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे
तो यहाँ पे एक फोटो मैं चॉइस कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फोटो चॉइस कर ली और यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको लोकेशन अलाउ पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप लोकेशन अलाउ कर दीजिए ताकि आपके नए दोस्त आसपास के ढूंढ दोस्त आपको मिल सकें। अगर आप लोकेशन अलाउ कर देते हैं तो आपको आसपास के नए दोस्त मिल जाते हैं। यहाँ पे आपने नेक्स्ट और ओके कर देना है। और दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट बन चुका है इस एप्लीकेशन पे। और अकाउंट बनने के बाद आप मेरी फ़ोटो देख सकते हैं, मेरी एज 27 साल है, नाम लिखा हुआ है आई एम ट्रस्टेड, यहाँ पे लिखा हुआ है वुमेन। तो इस तरीके से आपने जो भी डिटेल हमने डाली थी सब यहाँ पे आ जाता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत सारी प्रोफाइल भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एक बार। और दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी मेरी गलत हो चुकी है, जिस वजह से यहाँ पे दोबारा से ईमेल आईडी डालने के लिए बोला जा रहा है। तो मैं अकाउंट में ईमेल आईडी नहीं डालूंगा, आपको बता दिया है किस तरीके से करना है। तो आपने अकाउंट बनाना सीख लिया होगा दोस्तों।